अस्सलाम वालेकुम टू माई यूट्यूब फैमिली, मैं उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। अच्छा, आज की वीडियो है मेरी, आई एम रियली सॉरी थोड़ी सी डिले हो गई, क्योंकि आप लोगों को पता है जब इंसान की नई जगह पे शिफ्ट होता है तो वहाँ पे थोड़ी मसरूफियात बढ़ जाती हैं। सो लेज़र के ऊपर, अच्छा लेज़र के ऊपर मैंने लास्ट वीडियो में आप लोगों को अनबॉक्सिंग दिखाई थी अपनी IPL की, तो इस दफ़ा मैंने सोचा था कि मैं आप लोगों को यूज़ करके भी दिखा दूंगी, थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करूंगी इसके साथ भी, और पास्ट में भी जो मेरे साथ लेज़र में हुआ, जो गलतियाँ मैंने की वो भी, और दूसरी बात ये भी थी। तो मैंने सोचा था कि मैं आप लोगों को इन डिटेल थोड़ा सा बता दूंगी कि मेरा पास में जो एक्सपीरियंस था, मैंने 2 से 3 बार डिफरेंट एस्थेटिक्स के पास जाके अपना फेस लेज़र कराया है, और पहला जो मेरा एक्सपीरियंस था वो तो इतना बैड था कि जब मैं लेज़र कराने गई मुझे भी इतना आइडिया नहीं था, और जो कर रहे थे उन्होंने भी मुझे प्रिकॉशंस नहीं बताए, और उन्होंने भी मुझे ये गाइड ही नहीं किया कि हमने जो लेज़र कराना होता है उसके क्या तरीक़ाकार होता है, उसके बाद हमने क्या कुछ करना होता है। मैं क्या करती थी, जाके लेज़र कराती थी और घर आके सही एक्टिव इंग्रेडिएंट्स वाली चीज़ों के साथ फेस वॉश कर लेना, जैसे सैलिसिलिक एसिड क्लेंजर या इस तरह की चीज़ें फेस पे अप्लाई कर लेना, और मुझे इतना स्वेर एक्ने हो जाता था, इतना ज़्यादा एक्ने हो जाता था कि मैं इतनी परेशान हो जाती थी, मुझे लगता था मुझे लेज़र सूट नहीं कर रहा और मुझे लेज़र से एक्ने हो रहा है, जबकि मैं खुद ही गलती कर रही थी। इसमें मेरी भी गलती नहीं थी कि जब हमें नॉलेज नहीं होता और हम चीज़ों को ट्राई करना शुरू कर देते हैं तो हमारे साथ ऐसे ही होता है, और सबसे ज़्यादा दुख मुझे इस बात का था कि जहाँ पे हम जाते हैं कराने जब वो आपको सही से गाइड ना करें, क्योंकि आजकल तो ये ऐसे हो गया कि इतने ज़्यादा एस्थेटिक्स और मतलब इतने ज़्यादा लोग आ गए हैं, इतनी ज़्यादा मार्केट में चॉइसेस हैं, ऑप्शंस हैं, तो हम भी कंफ्यूज हो जाते हैं और हमें सही पता नहीं चल रहा होता कि सही जो है जिसको हर चीज़ का पता हो वो बंदा कौन सा है। तो पहले थोड़ा सा रिसर्च करना बहुत बहुत ज़रूरी है, और हमारी तो ड्यूटी ही इधर ही है कि मेरी स्पेशली यही कोशिश होती है कि मैं अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करूँ, और जो मेरे साथ अच्छा हो रहा है वो आके आप लोगों के साथ ज़रूर ज़रूर शेयर करूँ। सो ये मेरे साथ एक्सपीरियंस एक बहुत तकरीबन 2 से 3 साल से चल रहा था, तो मैंने सोचा शेयर करना मस्ट है। तो पहला मेरा एक्सपीरियंस ये रहा कि वो मैं खुद से गलतियाँ कर रही थी और मुझे इतना एक्ने, और फिर दूसरा जब मैंने कराया उससे मुझे थोड़ा सा अच्छा रिजल्ट्स मिले, और फिर थर्ड टाइम मैंने ये सोचा कि आई थिंक मुझे खुद से ये IPL ले लेना चाहिए, क्योंकि इसके बहुत अच्छे पॉजिटिव रिव्यूज़ थे, और सबसे बड़ी बात हमारे घर में खुद यूज़ हो रहा था, मैंने अपनी आंखों के सामने इतने अच्छे रिजल्ट्स देखे थे, तो मैंने सोचा वाई नॉट कि इस पर मैं इन्वेस्ट करूँ, क्योंकि घर में ये चीज़ बड़ी हैंड फ्रेंडली है कि आपके पास हो और आप जल्दी से जो है अपना प्रॉब्लम जो है सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, अब इसको यूज़ करने का तरीका क्या है, बहुत से लोग जिस तरह डिफरेंट, अब जैसे मेरी मामा है वो अक्सर वैक्स कराती हैं अपने फेस की और उसके बाद भी लेज़र कर लेती हैं, जबकि मुझे ये लगता है ऐसे नहीं होता, लेकिन हर किसी का अपना अपना एक तरीका कार होता है वो कैसे, लेकिन जो मेरा है जो प्रॉपर है वो इस तरह से है कि मैं इस तरह से सेफ्टी आप लोगों ने लेनी है। जैसे मैंने अभी 2 दिन पहले इससे अपने फेशियल हेयर जो है रिमूव किए थे, ठीक है, और 2 दिन बाद अब मैं लेज़र करूँगी, उससे ये होता है कि ये चीज़ जो है आपकी बालों की जो जड़ें होती हैं ना उनको नहीं निकालती, और हमें जो है बालों की जड़ ही चाहिए मशीन लेज़र को अपने फेस पे करने के लिए, क्योंकि उसने हमारी जो बालों की जड़ें हैं उसको वीक करना है, उसको ख़त्म करना है। तो आई थिंक ये बहुत ज़रूरी है कि हम इससे ही शेव करें अपने फेस को और फिर IPL करें, और ये हर किसी के डिफरेंट एक्सपीरियंसेस होते हैं, और आप लोग आप अपनी स्किन को आप मेरे से बेहतर जानते हैं, जैसे मैं अपनी स्किन का मुझे बड़े अच्छे से पता है कि मुझे क्या चीज़ सूट करती है क्या नहीं, इधर मैं आप लोगों के साथ सिर्फ अपना एक्सपीरियंस शेयर करी हूँ कि मुझे क्या चीज़ सूट करी है और मेरे लिए क्या चीज़ मतलब इफ़ेक्टिव है। तो मैं इससे मतलब शेव कर लेती हूँ 2 दिन पहले, ठीक है, और फिर 2 दिन बाद मैं लेज़र को कर लेती हूँ, और ये मुझे एटलीस्ट ज़रूरत पड़ता है कोई 2 महीने में एक दफ़ा कर लिया या 3 महीने बाद एक दफ़ा कर लिया। इसी तरह मैं फेस पे भी कर लेती हूँ, आर्म्स पे भी कर लेती हूँ, लेग्स पे भी कर लेती हूँ, क्योंकि ये IPL जो है फुल बॉडी है। अच्छा, तो ये आपने बहुत केयर के साथ यूज़ करना होता है, इवन मैं भी इतनी केयर के साथ यूज़ करी थी फिर भी मुझे एक इधर लाइट सा कट लग गया था, तो ये चीज़ें ऐसी होती हैं कि आप लोगों ने बहुत एहतियात से, जैसे आप लोग फेस वॉश करें, हल्का सा कोई फेस ऑयल लगा लें और फिर इससे अपने जो फेशियल हेयर है उनको रिमूव करें। ये किसी दिन मैं इंस्टाग्राम पर एक शॉर्ट वीडियो बना के आप लोगों को बता दूंगी, ताकि आप लोगों के लिए थोड़ा ईजी हो जाए, कि आप लोगों को आइडिया हो जाए कि मैं किस तरह से करती हूँ, और फिर बस अच्छी तरह से करके उसके बाद आप लोग अगेन चाहें तो फेस वॉश कर लें, या कुछ भी ठंडा लाइक एलोवेरा जेल और इस तरह की कोई भी चीज़ लगा के बस फेस को छोड़ दें, कोई एक्टिव इंग्रेडिएंट वाली चीज़ आप लोगों ने कोशिश करनी है कि आप लोग फेस पे ना लगाएं। और जैसे अभी भी मैंने फेस सिर्फ वॉश किया हुआ, कुछ भी नहीं लगाया हुआ, कोई स्किन केयर नहीं की हुई, कुछ भी नहीं किया हुआ। जैसे अब मैं लेज़र करूँगी, क्योंकि हल्के हल्के जो मेरे हेयर है ना वो नज़र आ रहे हैं उनके रूट्स, तो उससे क्या होगा कि बड़ा अच्छा थोड़ा लॉन्ग लास्टिंग रिजल्ट रहेगा मेरे फेस पे। और एक और बात मैं आप लोगों को एक टिप देना ज़रूर चाहूँगी कि बहुत सी, जैसे मेरे साथ भी यही था कि मेरे जो फेशियल हेयर थे वो बहुत कम थे, बिल्कुल जो बारीक बाल होता है वो बाल था,
और मैंने आजकल हमारा सोशल मीडिया इस तरह का है कि हम देख के बहुत ज्यादा जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं और कोई भी चीज ट्राई करने लग जाते हैं। और मेरे साथ भी यही हुआ था कि मैंने फेशियल रेजर करते हुए किसी को देखा और मैंने कहा अच्छा मेरे भी बाल हैं, चलो मैं भी करती हूँ, जो कि मैंने बहुत गलत किया। अब हर किसी का एक्सपीरियंस डिफरेंट होता है। मैंने जिनको देख के किया उनके जो बाल वापस आते थे वो मोटे नहीं आते थे, उनका बारीक बाल था, वो रेजर करती थी उसके बाद बारीक किया था। लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ, मेरा बारीक बाल था, मैंने रेजर किया, उसके बाद मेरे मोटे बाल आना शुरू हो गए, जो कि मैंने आई थिंक बहुत ज्यादा गलत किया कि इतने बारीक बालों को मुझे छेड़ा है। तो अगर आप लोगों को फेशियल हेयर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, जैसे कि थिक बाल है या मोटा बाल है या PCOS है, थायराइड, आजकल आप लोगों को पता ये बहुत ज्यादा सिम्टम्स है, और कुछ लोगों के यहाँ पे हेयर होते हैं फिर यहाँ पे थिक बाल होते हैं, तो उनके लिए मैं ये रिकमेंड करती हूँ कि बहुत बेस्ट है कि आप लोग घर पे लेके इसको रख लें, और इससे अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कोई एक्ने भी नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। सो अब आप लोगों को जैसे मैंने बताया कि 2 दिन पहले मैंने इससे शेव कर लिया था, और अब मैं आप लोगों को लेजर भी दिखाती हूँ। अच्छा जी, तो ये देखिए मैंने यहाँ से ऑन कर लिया, और अब ये आप लोगों पर डिपेंड करता है कि आप लोग इसका जो है टेम्परेचर वो कितना रखना चाहते हैं, ज़्यादा थोड़ा स्ट्रांग रखना चाहते हैं, थोड़ा लाइट रखना चाहते हैं, आपकी स्किन पे डिपेंड करता है। अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है तो आप लोगों ने लाइट रखना है, जैसे कि 1 है जो लाइट है, फिर 2 थोड़ा स्ट्रांग, 3 स्ट्रांग, 4, 5 ज़्यादा स्ट्रांग। इसी तरह फेस के लिए आप 1 या 2 में रहें, ठीक है, फिर 3, 4, 5 आप लोग आर्म्स के लिए, बॉडी के लिए आ सकते हैं, जैसे कि सेंसिटिव। अब जैसे मेरे यहाँ पे हेयर है तो इसको मैं जब यूँ रखूँगी, जब ये वाइट लाइट जो है नज़र आएगी, तब इसका मतलब है कि अब जो है टारगेटेड एरिया जो है वो रेडी है, कि मतलब हम इसको ऐसे, और जब गलत मतलब होगा, जैसे अब ये देखें ऐसे रखा हुआ, ये लाइट नहीं जल रही, ये देखें ऐसे, जब प्रॉपर एक सही पोजीशन में होगा तब लाइट ऑन ब्लिंक करेगी और वो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि 1 जो है वो बहुत लाइट है, और 1 या 2 में आप रहें। अगर आपकी स्किन नॉर्मल है तो आप लोग 2 पे जा सकते हैं, अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है तो आप लोग 1 पे रहें। जैसे अभी आप लोग देखिएगा मुझे कोई इंशाल्लाह रेडनेस नहीं होगी, एंड लिटरली आप लोगों को थोड़ा सा जो बाल का रूट है वो बर्न होने की स्मेल सी भी हल्की सी आएगी। इसका यही मतलब है कि आपके मतलब जो जड़ें हैं वो बर्न हो रही हैं अच्छे से। सो इसका मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, तो थोड़ा सा मैंने आप लोगों को करके दिखा दिया कि इसको इस तरह से यूज़ करना है। अब जैसे इसके आगे ये जो एप्लीकेटर इसका लगा हुआ है, ये है जी फेस के साइड बिग पार्ट्स के लिए। अब जब मैंने अपर लिप्स और जैसे यहाँ से अपर लिप्स या चिन, तो मैं छोटा फेस का जो इसका एक और इन्होंने साथ दिया हुआ है छोटा सा एप्लीकेटर, 3 डिफरेंट और एक्स्ट्रा एप्लीकेटर्स भी हैं, जो कि जिसमें आपका आ जाता है अंडर आर्म्स के लिए, फिर आपके बॉडी के लिए, और फिर आपके फेस के लिए जो स्मॉल वाला है, तो वो मैं यूज़ करूँगी। सो मैंने सोचा आप लोगों को इसकी थोड़ी सी डिटेल बता दूँ और अपना एक्सपीरियंस भी शेयर कर लूँ। सो मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई है तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक भी करें और कमेंट करके बताएं। सो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस इसके साथ बहुत अच्छा रहा है, बहुत इफ़ेक्टिव रहा है, और मैं ये चाहती हूँ कि अगर आप लोग इस पर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो पूरी एक रिसर्च करें, और मतलब फुली अपने आप को पहले सेटिस्फाई करें, और फिर ज़रूर इस पर आप लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं। सो ये थी मेरी आज की वीडियो, साथ मेरे गले को भी कुछ हो गया। सो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मैं आप लोगों को अल्लाह हाफिज़।